और कहा फिल्म की दुनिया वालों ने क्या कहा? अरे इनकी गली से भागे गुजरना और बहन जी, थोड़ा सा प्रयास है, हालांकि वो प्रयास मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कीर्तन का मतलब होता है कुछ ना कुछ जन समुदाय को मिल जाए, तो प्रयास कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बेटे, हर इंसान कुछ ना कुछ गलत कर्म करता है, लेकिन वो सोचता है ये कोई देख नहीं रहा है, लेकिन लेकिन जितना भी कर्मों का हिसाब है वो उस परमात्मा के पास नोट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कैसे नोट हो रहा है सुनिए, कैसे कैसे नोट हो रहा है। अरे लेख जो मंथ डे ईयर में है लेख जो मंथ डे ईयर में है और उस लेख जोक का इस कंप्यूटर में लेख जोक है उसका कीबोर्ड उसके ही नियर में है, उसका कीबोर्ड उसको चलाने का सिस्टम उसी परमात्मा के पास है। अगर अगर किसी को मौत के कुएं में डालना है, क्लिक किया पत्ता कटा मौत के कुएं में गए, तो कहना मान लो ये मान लो ये मान परमात्मा एकाएक किसी पर संकट नहीं डालता, पहले थोड़ा सा संकेत देता है कैसे कैसे। अरे मिस काल दे पहले जताता, और जब आदमी नहीं मानता तो करके रिसीव काल फिर ले जाता। पहले पहले परमात्मा एक फोड़ा निकालता है, उसके साथ में संकेत भेजता है कि अय बंदे तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन इंसान को वो नहीं दिखता, तभी तो नासूर बनता है। तो कहना पड़ा क्या, उसको ले जान उसको ले जान उसको ले जान
हियर है वो यही है। कोई व्यक्ति सामने गमछा लगा ले, कोई बात कर ले कि मंदिर में भगवान नहीं देख रहे, लेकिन वो तो कड़कड़ में है। बिल्कुल, तो हर इंसान को सोच समझ कर कार्य करना चाहिए, धीर धर कर हृदय में ये धीर धरना चाहिए। अरे अपना पेट तो पाल लेते हैं सभी इस जमाने में, अपने बच्चों के बच्चों को कुछ बनाकर मरना चाहिए। भैया जी तो उसको ले जा, उसको ले जा, उसको ले जा, नहीं अरे तो बहन जी हाँ ये लेख जो मंथ डे सच्चे दरबार की जय। और ये पुनः भारी भरकम आशीर्वाद बड़बिया संजय शर्मा, बिम्मा बाबा समित मोरामा, बड़े भाई अजय अनुरागी जी, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं आप, भैया श्री अनिल कुमार असगरगंज मोरामा, और परम आदरणीय सम्मानी भैया रामशंकर राजपूत जी, आप भी एक बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। आप सबके कर कमलों से ये छोटे भाई को आशीर्वाद स्वरूप ये 351 प्रपुत्राएं भेंट हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए पुनः सुने बड़ी बहन को, तब तक के लिए धन्यवाद है, धन्यवाद। नन्ही सी परी आप लोगों के बीच में आ रही है अपनी मीठी मीठी बातों से सबको रिझाने, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां पद्मिनी के लिए। आइए स्वागत है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सम्मान के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पद्मिनी शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा गाना गाया आज आपने, बहुत 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 अच्छा गाना गाया आपने, बहुत बढ़िया मजा आ गया। तो एक बहुत ही जरूरी बात आप सभी को बताना चाहती हूँ। आज जो इस पूरे कार्यक्रम को अपने जादुई कैमरे में कैद कर रहे हैं के एस स्टूडियोज एंड कंपनी के मालिक, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि वो 2 मिनट के लिए मेरे पास आ जाए। बोला जाता है कि जब भी आप किसी के घर पहली बार जाए या किसी से पहली बार मिले तो कभी खाली हाथ नहीं जाना। आपको एक छोटा सा अपनी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहूंगी, प्लीज आप उसको स्वीकारें। ये एक पैंट शर्ट का कपड़ा है जो मैंने चूज किया था आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इस छोटे से भेंट को स्वीकारने के लिए। तो अब मैं 4 पंक्तियाँ आप सभी को अपने देश इंडिया के लिए सुनाना चाहूंगी, और अगर बात अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी आप सभी को, उन लोगों के लिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हो लेकिन कभी वो आपकी छोटी सी बातों से रूठ जाते हैं तो उनको मनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो जितने भी रूठे लोग हैं उन सभी के लिए 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी, क्या पता वो ये सुन के मान जाए। तो ये है पंक्तियाँ। कहाँ से लाऊं हुनर उसे मनाने का, कहाँ से लाऊं हुनर उसे मनाने का, कोई जवाब नहीं है उसके रूठ जाने का, कोई जवाब नहीं है उसके रूठ जाने का, कि मोहब्बत की सजा तो मुझे ही मिलनी थी, कि मोहब्बत की सजा तो मुझे ही मिलनी थी, क्योंकि जुल्म तो मैंने ही किया था दिल लगाने का। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब मैं चाहूंगी कि आप सभी के बीच में आए कानपुर से आए हुए आदरणीय पद्मा शर्मा जी, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय पद्मा शर्मा जी का। तब तक के लिए धन्यवाद, मैं पद्मिनी शर्मा। बहुत सुंदर कीर्तन अभी आपने सुना है। अभी एक आवाज नीचे से आई जब मैं गा रही थी, तो जो हमारे साथी कलाकार के हैं आज के श्री अवधेश जी,
उनके ग्रुप में एक छोटे से नन्हे से बउआ जी बैठे हैं। छुट्टन छोटे से नन्हे से बउआ, मतलब मैं उन्हें कहती हूँ वो दिखने में तो बिल्कुल हनुमान जी लगते हैं लेकिन हैं छुट्टन। तो वो कह रहे हैं कि सुना भी और देखा भी। हमने तो सुना भी देखा भी और समझा भी। तो हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि ये लोग क्यों कहते हैं कि हमने देखा भी। कभी कभी तो विचारों को दर्शन होते हैं। उनकी भी दो आंखें मेरी भी दो आंखें, उनकी भी एक नाक मेरी भी एक नाक। ओका पता नहीं क्या देखते रहते हैं लड़कियों के अंदर, हमको ये नहीं समझ में आता। शादी शुदा हो बाल बच्चे दारू ये देखना दिखाना बंद करो, नहीं कुटेगी बहुत तेज। ओका नहीं तो खाना होटल में मिलेगा फिर। चल रही हूँ एक बार फिर से ये कोशिश करती हुई कि आपको वैसा ही आनंद मिले जो अभी आपको मिला हम लोगों के राउंड में। जर्रे में चमकता हुआ गौहर नहीं देखा, सूरज ने कभी भी नीचे उतर कर नहीं देखा, जर्रे में चमकता हुआ गौहर नहीं देखा, सूरज ने कभी भी नीचे उतर कर नहीं देखा। महबूब हो बीवी हो बहन हो कि हो बेटी, महबूब हो बीवी हो बहन हो कि हो बेटी, लेकिन माँ जैसी मोहब्बत का समंदर नहीं देखा। जितना प्यार माँ हम लोगों से कर सकती है उतना प्यार कोई नहीं कर सकता। तो आप सभी माओं को प्रणाम कर रही हूँ और एक तर्ज आई है कौन सी, बिना समय बर्बाद किए और अवधेश भैया के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जो आपका मन है अभी उसको ऐसा ही बनाए रखिएगा तो बहुत तरक्की करेंगे। क्योंकि आजकल लोगों में है क्या, जरा सा मौका मिला बढ़ने का तो वो सीधे आसमान पर पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति जमीन की जड़ों से जुड़ा रहता है वो हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं लौटता। ना ना ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट आसमान में उड़ना चाहते हैं, बस वही उनकी भूल होती है। नीचे आने में टाइम नहीं लगता। हाँ तो हम लोग उनके पर कुतर देते हैं। सुनिएगा तो बहुत अच्छे ढंग से आप गा रहे हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। सुनिएगा आपकी तरफ से एक तरजाई। दिल की गली से बच के गुजरना, दिल की
मर्द की एक जुबान होती है, मर्दो किसान, मर्दो किसान, मर्दो किसान होती है। मर्द की एक जुबान होती है। बिल्कुल आपने सही कहा, मर्द की एक जुबान होती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी बात पर जो हमारे पुरुष भाई हैं, उनमें बड़ा स्वाभिमान होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो वाकई मर्द हैं उनकी एक जुबान होती है। तो आइए चलते हैं आपके कटपीस का जवाब देने। आपने अपने कटपीस में कुछ अंग्रेजी के शब्द लगाए हैं, जैसे कि मिस कॉल, रिसीव कॉल, प्राप्त करना, डियर, नियर, पास, फिर कीबोर्ड, और मंथ, डे, ईयर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। जमाना टच का है। मैं आपको सीधी सी बात बता रही हूँ, कोई फोन के शब्दों का प्रयोग नहीं, जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। क्या सुनिएगा, ये जो आपके शरीर में जान है, ये जो आपके शरीर में चमक है, वो किसकी बदौलत है? समझो, वो उसकी बदौलत है। तो कुछ अंग्रेजी के शब्दों का सरल सा प्रयोग। हमारी माताएं बहनें जो इतनी देर तक बैठी हैं, मैं समझ रही हूँ कुछ लोग जाना भी चाह रहे हैं। ना ना, तो हम जाने नहीं देंगे इनको। नहीं, जरूरी काम से जा सकती हैं, फिर आएंगी तो मैं बहुत अच्छा सा गीत सुनाऊंगी, सुनिएगा। इस तेरे तन में हाईवे के साथ चलते हम लोग। सुनिएगा जवाब। इस तेरे तन में उसकी है लाइट, यानी प्रकाश, जो आत्मा जगमगा रही है, उस आत्मा में उसकी ही लाइट है, रोशनी। अगर परमात्मा शक्ति ना दे तो ये सुंदर शरीर बेकार है। क्या मट्टी, आत्मा रूपी लाइट उसी ने दी है। तो सुनिएगा, इस तेरे तन में उसकी है लाइट, और अगर भगवान ने आपको ये सुंदर शरीर, सुंदर आत्मा दी है, तो आपको क्या नहीं करना है? बनने करके नास्तिक, करना न फाइट, बन करके नास्तिक, करना ना फाइट। जो आस्तिक हैं वो भगवान को मानते हैं, और जो नास्तिक हैं वो भगवान को नहीं मानते। तो अगर आत्मा
रूपी लाइट भगवान ने दी है, तो आप नास्तिक बनकर उनसे फाइट ना करिए। सुनिएगा, इस तेरे तन में उसकी है लाइट, बन करके नास्तिक कर भविष्य वर्तमान सारी माया, भूत भविष्य वर्तमान सारी माया। पहली लाइन से भैया वीरेन सिंह कोटेदार जी जो घर जा रहे हैं, जाने का मन बना रहे हैं, उनको अभी जाना नहीं है, बिल्कुल जाना नहीं है भैया, बैठिए अभी आपको बहुत आनंद आएगा। और ये 101 रुपयों का पुरस्कार पूरी कमेटी की तरफ से आया है, तो मैं धन्यवाद दे रही हूँ और जवाब को पूरा कर रही हूँ। कैसे इस तेरे तन में प्रभु की है लाइट, बन करके नास्तिक करना न फाइट, भाग्य से पाई तुमने ये काया है, भूत भविष्य वर्तमान सारी समझ। ऊपर वाली की लीला को समझो, वो कहते हैं सच्ची राह पर चलिए, धर्म में भरोसा करिए, और धर्म में भरोसा किया तभी राम लला का मंदिर बनने जा रहा है। बोलिए सियापति राम चंद्र की लीला। समझ लीला समझ भविष्य वर्तमान माया। बोली सियापति रामचंद्र की जय।